नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। छठ पूजा को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई एवं सजावट कार्यों में आई तेजी। रामनगर व गनाहा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ घाटों को सजाने में आई तेजी। रामनगर प्रखंड के सोहसा में दिखा अनोखा नजारा। छठ घाट की साफ सफाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के कंधे से कंधा मिलाकर छठ घाट सफाई में दिए योगदान। व्यवस्थापक लक्की बाबा ने बताया कि सोहसा फुल कॉल में 70% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर सभी पर्व मनाते हैं। अभी छठ पूजा में सभी श्रमदान से छठ घाट तैयार कर रहे हैं। पूरे देश को इनसे एकता और भाईचारे की सीख लेनी चाहिए। मौके पर सरपंच प्रतिनिधि प्रयाग यादव, मुखिया प्रतिनिधि इम्तियाज खान, सतेंद्र राय, अख्तर अली, हैदर अली, सद्दाम हुसैन, राजू यादव, छोटक अंसारी, अली अहमद शाह, शंकर यादव समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। अनमोल टीवी नेटवर्क के लिए बेतिया से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। छठ घाट का साफ सफाई बड़ी जोर तोर से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जी? ये हमारे समझे कि आप तो विश्व स्तरीय पर्व हो गया है, छठ महापर्व के रूप में जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो है ग्रामीणों के जन सहयोग और कार्य सेवा के रूप में सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत साफ सफाई धूमधाम से जो है छठ पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। शांति और साफ सुथरा यही जो है त्यौहार का महत्व होता है, जिसको जो है पूरे विश्व इस समय जो है इस त्यौहार को पूरे विश्व देख रहा है कि त्यौहार जो है किस लिए मनाया जाता है। इसका इतिहास छठ पर्व रहा है। छठ पर्व में खूब धूमधाम साफ सफाई और जो है सभी लोगों का प्रेम आपसी सौहार्द व्यवहार ये सब जो है मिल करके छठ पर्व मनाया जाता है।